प्रकृति में ऐसे पदार्थ जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसको बताए हैं जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है खनिज है, और जैसे यहाँ से ये तुम्हारा खनिज है, और खनिज से क्या बनता है अयस्क, और जब अयस्क को शुद्ध करते हैं तब बनता है धातु, यानी कि ये तुम्हारा खनिज है जो बहुत ढेर सारा, मतलब इसमें अशुद्धि है, धूल मिट्टी बालू सब है, इसमें से क्या बनाएंगे अयस्क बनाएंगे, उसके बाद अयस्क से जब धातु कर, यही इतना पूरे तुम्हारे उसमें है वर्जन स्थापन और प्रकलन में, यहाँ से यानी कि अयस्क से धातु के बीच होने वाली सभी क्रियाओं को धातु कर्म कहा जाता है, तो धातु कर्म की परिभाषा ये यहाँ से यहाँ कराना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को ये क्वेश्चन आएगा ठीक, कि धातु कर्म क्या है, अशुद्धियों को शुद्ध करना धातु कर्म कहलाता है, जैसे खनिज मिलेगा खनिज से फिर क्या बनाओगे अयस्क, जैसे खनिज धूल मिट्टी रहेगी, हाथ साफ करो पानी साफ करोगे जो बचेगा वो क्या बचा जाएगा अयस्क, फिर इसको फिर यहाँ से गर्म करके अशुद्धियाँ निकाली जाएगी, गर्म करके इसको मान लो हाथ साफ कर दोगे, मान लो कोई चीज़ मिल जाए तुम्हें स्पेन को फेंक दोगे मिट्टी में, तो उठाओगे इसको मिट्टी लगी रहेगी हाथ साफ कर दिए, अरे क्या हो गया अयस्क हो गया, अब जिसमें से प्लास्टिक की अशुद्धि है इंक भरी हुई है इसे निकाले क्या करोगे, तो हीट करोगे गर्म करोगे, जब गर्म करोगे तो इंक अलग अवशोषित निकल जाएगी, उसमें मतलब क्या होगा वाष्प बन के निकल जाएगा, प्लास्टिक अलग जो निकल जाएगा, ऐसे तुम्हारे होता है खनिज ऐसे मिलता है, इसमें सब कुछ होता है, फिर इसको जब साफ करते हैं तो अयस्क प्राप्त होता है, जब इसको शुद्ध करते हैं तब धातु प्राप्त होता है, अयस्क से धातु प्राप्त होने की क्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं, ये तो पहली परिभाषा हो गई, और दूसरी इसमें हो जाएगी कि अयस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया, ये दोनों लिखे हैं ठीक, अयस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया, धातु कर्म या मेटल इसे इंग्लिश में कहते हैं मेटलाइज, धातु कर्म कहते हैं, अब तुम लोगों धातु कर्म की दो परिभाषा तुम्हारे पास है, जो तुम्हें याद करने में याद कर लेना, चाहिए वाला चाहिए इसका, कि ये हो जाएगा कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना, और दूसरा है अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए धातु कर्म कहते हैं,